तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आप सबको मेरी तरफ से, अमित परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे साफ सफाई, और ये रहा मेरा पोछा। और मम्मी गई है अभी हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हुई थोड़ी सी, तो हॉस्पिटल गई है। और दीदी कर रही है बेसमेंट साफ, और मैं यहाँ मार रहा हूँ पोछा नीचे साफ करने के बाद एकदम चमका के। तो कमरे वगैरह सब मैं पोछा तो मार दिया, अभी यहाँ रह गया है थोड़ा सा, नीचे ही पोछा मारना है मुझे। मैंने और दीदी ने ना काम बांट लिया था, मैंने कही मैं नीचे का साफ करूँगा, तुम ऊपर का साफ कर देना। तो दीदी ने ऊपर का साफ कर दिया, और ऊपर खाली मेरा काम था पोछा लगाने का। तो अब वो पोछा भी लगा रहा हूँ, पोछा निचोड़ दिया है, क्योंकि पोछा निचोड़ रहा था इस वजह से कैमरा बंद करा, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और अब मैं ऊपर का साफ करने का, अब मैं आया हूँ नीचे वाला कमरा साफ करने। तो अब अपना कमरा साफ करूँगा। सुबह से काम कर रहे हैं मैं और दीदी, यहाँ साफ करना है। और ये है चौकी, तो माता रानी की लगेगी, तो यहाँ साफ करना। चमका दो, इतना चमका दो कि तुम्हारी शक्ल दिख जाए। साफ सफाई तो खैर मैं अच्छी करता हूँ। अब यहाँ पीछे सा कौन साफ कर रहा हूँ, तो सिम्मी आज बतानी परेशान नहीं कर रही, ये तो सिम्मी हमारी डेली हमको परेशान करती है पोछा मारते टाइम। देखो पीछे खड़ी है, पांचवी ले ले का नाम दे, तो जल्दी सुनते क्या खाने को मिल रहा है। प्रो की वजह से मैं शॉर्ट वीडियो डालनी पड़ रही है, मैं सोचा आज व्लॉग ही शूट कर लिया जाए। काम कर ही रहा हूँ तो दिखा दूँ साथ के साथ क्या क्या कर रहा हूँ। आप सब भी घर पे ही अपना ऐसे काम कर रहे होंगे, मुझे तो मम्मी सुबह सुबह बता चली गई ये करना है ये करना है। यहाँ लगेगी माता रानी की चौकी, तो दीदी ने ही जगह साफ कर दी है, और यहाँ पे मैं पोछा मारना है। पोछा मुझे तो तभी अच्छा लगता है जब उसमें फिनाइल डाला हो, बिना फिनाइल के तो पोछा अच्छा नहीं लगता। अरे रे गिर गो गिर गो, अरे मारे हटा तुम्हें, देखो अब हट गई। एक बार तो पोछा लग गया है, और अब एक और मारूंगा। और ये कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, तो इन कपड़ों के लिए पोछे में पानी भरूंगा। ये देखो लल्ली चली गई, पैर छपा गई अपने, बदतमीज जानबूझ के जाती है ऐसे। और पंखा तेज कर दो जल्दी सूखता है, अरे द्वार से इसको निचोड़ देता हूँ पहले पानी में। अब जा रहा हूँ फिर से पोछा लगाने के लिए, इसमें ढला इस कमरे में भी लगा दिया मैंने दो बार पोछा, और अब लगा रहा हूँ इन सीढ़ियों पे। तो उससे पहले डला लेता हूँ लाइट पीछे की, फिर से निचोड़ता हूँ। ए तू बदतमीज लड़की, बैठ बदतमीज, बार बार साफ करवानी पड़ रही है, करनी पड़ रही है ना कन्नों पर रोज बदतमीज, मान के ना तेरी बार बार आ जाते, दोबारा तो छपाए दे पैर। देखो मैं सो रहा हूँ गेट को ही हूँ, और करना है यहाँ पे साफ। यहाँ मारी है दीदी ने झाड़ू, और मैंने करा नीचे का साफ, और बेसमेंट साफ कर देंगे दीदी, क्योंकि बेसमेंट बहुत गंदा हो गया था। और मैं भी यहाँ पे साफ कर रहा हूँ, दीपावली आ जाए तो भी साफ सफाई करनी पड़ती है, नवरात्रि आ जाए तो भी साफ सफाई करनी पड़ती है, जन्माष्टमी आ जाए तो भी साफ सफाई करनी पड़ती है। वैसे घर साफ रहता है पर नहीं, इस पे साफ सफाई कहते हैं फिर इसको। दो तीन दिन से मैं ही कर रहा हूँ घर को साफ, दीदी चली आती है कॉलेज, और जो शायद बर्तन भी धोने हैं मुझे। मैं तो अपना मस्त गाने बजा बजा के साफ कर रहा था, और भी बंद कर दिए मैंने क्योंकि ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। हाँ यहाँ तक तो लग गई, साफ करनी है आखिरी स्टेज जो कि है नीचे। दीदी देखो ये बाहर साफ करनी, कहाँ कर रही हो मेरे गंदा कद्दो, मैंने भाई यार रिगड़ के साफ करा है, और गंदा कद्दो। हाँ वाह,
मैं तो सोचा था मम्मी की जान क्या मस्त सो जाऊंगा और बीच से साफ सफाई कराऊंगा, पर मैंने सोची चलो कर ही दे रहा हूँ साफ सफाई। वैसे भी दीदी साफ करती थी, क्रेडिट तो मैं ही लेता। ओ यार मेरा वीवो का जो फोन है ना वो टूट गया, गिर के उसका फोल्डर उड़ गया। उसका जो फोल्डर है ना जो 800 का डलता है वो है लोकल फोल्डर, और एक होता है क्या कहते हैं 1200 का, उसको बताते हैं ओरिजिनल फोल्डर, पर वो ओरिजिनल फोल्डर नहीं है, ओरिजिनल फोल्डर है 12000 का। तो वो वाला फोल्डर डलने के लिए गया है और 7-8 दिन के अंदर फोन आएगा, क्योंकि फोल्डर जो है बाहर से मंगाया है। और यहाँ तक तो मैंने साफ कर दिया और लल्ली भी आ गई निकल के बाहर। और पहुंचा फिर से मैंने धोके, अब आया हूँ इस वाले कमरे में लगाने जिसमें मैं पढ़ता हूँ ट्यूशन। तो गेट को खोलते हैं और यहाँ से लगाना चालू करते हैं। अरे पहुँचोगे पहले सही से करो, पहुँचा होना चाहिए ऐसा जैसे ऑगी लगाता है। भैया आप यहाँ क्यों साफ कर रहे हो? ओए छोटे आज नवरात्रि हैं इसलिए साफ कर रहा हूँ। प्लीज भैया यहाँ साफ करो ना। ओए क्यों नहीं, ओए ओए नहीं मैं यहाँ साफ करूँगा। प्लीज भैया, ओए नहीं मेरी मम्मी क्या कह रही है। प्लीज भैया, ओए नहीं कह रही है मेरे पिस्से टकरा गए हो। हाँ वैसे भी एक और बार लगना, चल बेटा कुर्सी ऊपर आ जा एकदम सही। चलो जी देखो बोरा बात है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रही हो समझ में नहीं आ रही मेरे। अच्छा लगा लो, दीदी लगा रही है मशीन कपड़े धोने के लिए जो ऊपर पड़े हैं फालतू के। एक हाथ से कैमरा संभालना और एक हाथ से पोछा मारना बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ फिर से पोछा धो, एक और लगाऊं फिर यहाँ पे। और जीना पे तो मार दिया, ऊपर किचन में रह गया, अब किचन में और मार रहा हूँ। अभी तो गाना चला रहा हूँ राव साहब सॉन्ग, राव साहब सॉन्ग। आ रहा आयो कमरा में मार दियो। हाँ आवाज तो आ रही ना कछु है तो। हाँ ठीक है ठीक है। और मुझे ना अपने डेक की लाइट अच्छी लगती है, इसमें एक बटन है इससे लाइट चेंज हो जाती है, और एक बार दबाओगे तो लाइट बंद हो जाएगी और फिर दोबारा क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। और तीन तरह की लाइट है इसमें। और मैं तो मार रहा था पोछा और ये चल रहा था ऊपर वाला पंखा, और पता नहीं चार चिड़िया आई थी यहाँ पे और यहाँ बैठी, अचानक से एक चिड़िया उड़ के इसमें लगी और भाई देखो ख़त्म हो गई। मैं तो अच्छे के लिए मतलब पंखा चलाया था कि यहाँ पर सूख जाए, और बहुत देर से तो पंखा चलाया भी नहीं था ना, दीदी ने चलाया था ना मैं चलाया था, मुझे मालूम थे चिड़िया आके बैठ गई है, और जैसी चिड़िया गई थी तब चलाया, पता नहीं अचानक से आई और इस पंखे से टकरा गई, अब ख़त्म हो गई। और इसकी 2-3 साथी होते वो तो उड़ गए, क्या करूँ अब यार, गाड़ गए वो तो, गाड़ूंगे मैं गाड़। तो चूहे खोज निकले, तो यहाँ तो गाड़ी नहीं, दीदी यहाँ गाड़ने की सोच रही थी, तो मैं पीछे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ की मिट्टी में कंकड़ पंकड़ बहुत है, तो यहाँ तो शेरू वेरू खोद लेंगे। और यहाँ अचानक से टकरा कर तुरंत ख़त्म हो गई, मैं तो चला भी नहीं रहा था इस वजह से, क्या कहते हैं पंखा खाऊंगा चिड़िया विड़िया आ जाएंगे, इसका तार ही कटवा दूंगा आजकल मैं तो, दिक्कत ही नहीं रहेगी। और सामने से मम्मी भी आ रही है गाड़ी में, जी करिए शीशा नीचे करिए। अरे वो मैं साफ सफाई कर रहा हूँ ना, तो मैं और दीदी पंखा चला रहे ना, और चिड़िया बातें लग के मर गई। मर गई तुरंत ही जिंदगी। अरे पंखा को तार ही कटवा दूंगा आजकल मैं, सचिन भैया बुला के आज दिन और नौमी वाले दिन। और क्या काम है घर तो हम पूरे तो साफ है वो, पर जे समय ये चालते
वो जे चिड़िया आई पे चली गई पे जे अचानक ते आ गई जे ऐसी घूमत है नीचे अब मुझे जे माली मो तो रही बताई वो चल ऊपर छत वाला पंखा कहीं नीचे वाला बेसमेंट ना वो गेट के सामने अटका है। अच्छा मेन गेट पे को लेके आ गए गार्ड रहूंगा यहां पे वहीं गार्ड ले अपने घर ना वहां ना गड़े प्लॉट में गार्ड रहूंगा वाले में शेरू वाले में हां बाउंड्री के अंदर वो नेक्स्ट सही तरह करियो हां हां पता नहीं सही तो यहाँ गाड़ने आया हूँ यहाँ पे शेरू के बच्चे रहते थे पहले तो उस साइड गाड़ूंगा उस साइड गड्ढा एक उसी में रख के राख डाल दूंगा। अरे यार खामा का मर गए इतने ऐसे दिन पे तो एक गड्ढा करा इसी में रख रहा हूँ उसको। सॉरी चिड़िया अरे चींटी चली गई इसके साथ निकाल दी। ईट रख दूं शेरू शेर ना खोदने चिड़िया तो काट दिए और घर जाके नहाता हूँ पहले चुका हूँ अंडे हंसते सबरे काम सही भाई बस आखिरी एक चिड़िया को काम बेकार है वो भाई के सबरे काम सही है और मैंने अपने कमरे में पोछा मारा था और लल्ली देखो यहाँ पे दूध गिरा गई अब दी साफ कर रही है अभी ना दो तो गिरा गई वो तूने कहाँ था थोड़ा सा दूध हुआ मैं बदतमीज चुई फैली हुई है मम्मी के पास आके बैठ गई है वो देखो दीदी ने कितना गंदा कर दिया दीदी ने आप पैर छपा दिए अपने अपने मैंने इतनी मेहनत से साफ करा तीन तीन बार पोछा मारा मिलता हूँ नहाने के बाद और ना कर तो मैं आ चुका हूँ और नहाने के बाद मैं आपको एक बात और बतानी थी हम लेने जा रहे हैं परसों एक अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी जो कि एक ट्रैवल बस बाकी का सरप्राइज है कैसी है वो और पूजा तो दीदी और मैंने कर ली है और सिमी ने भी कर ली है साथ के साथ मैं सिमी भी और ना धोकर अभी मैं ले रहा हूँ चाय पीने के लिए क्योंकि सुबह सुबह भाई मैंने काम पे लग गया था चाय भी नहीं पी थी दीदी ने तो पी ली थी मैंने नहीं पी थी तो अभी पी रहा हूँ चाय हार्ट जल गया भाई गैस में प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे जल्दी ब्लर मार रही है बहुत कर रहा जल जा बेटा जल्दी और चाय तो मैंने ले ली है और एक तरफ है चाय और दूसरी तरफ है चाय गोबरों का ढक्कन कैप अरे 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 हाँ अपनी सिमी भी पूरी पूजा करके बैठ चुकी है अब सो गई यहीं पे पांचवी सो गई जी क्या नहीं जग रहा हूँ अब मम्मी भी बैठ चुकी है पूजा करने के लिए और अभी मम्मी बना रही है व्रत के आलू तो ये दही तो लगा दिया है और ये आलू बन रहे हैं क्या कहते हैं तुम्हें व्रत के आलू कहते हैं ना जहाँ कुकर में का है कम पड़ जाएंगे जी आलू तुम्हारे थोड़े से और उबालने हैं फिर अच्छा अच्छा और इसी व्लॉग को करते हैं पे एंड और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा ब्लॉग पसंद ब्लॉग को लाइक करना शेयर करना कमेंट करके तरह के सुना ब्लॉग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज के लिए मैंने इतना ही ब्लॉग शूट करा है क्योंकि मुझे अभी बैठ के पढ़ना भी है क्योंकि कल है मेरा पेपर फिजिकल एजुकेशन का तो मिलते हैं एक ब्लॉग में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।